अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ। इस मुकाबले में सीएसके की टीम के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बनाए और सीएसके टीम को जीत के लिए 135 रन का टारगेट मिला। जीत के लिए मिले लक्ष्य को सीएसके ने 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया और मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने 19.4 ओवर में 4 विकेट पर 139 रन बनाए और मैच में जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही सीएसके आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी बनी। सीएसके के अब कुल 18 अंक हैं और अंक तालिका में ये टीम पहले पायदान पर है। तो वहीं हैदराबाद की टीम इस हार के बाद 4 अंक के साथ आखिरी पायदान पर है और इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने डुप्लेसिस के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप को जेसन होल्डर ने ऋतुराज को 45 रन पर आउट करके तोड़ दिया। डुप्लेसिस ने भी 41 रन की पारी खेली और उन्हें भी होल्डर ने आउट कर दिया। मोइन अली 17 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए तो वहीं सुरेश रैना सिर्फ 2 रन पर होल्डर की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। अंबाती रायडू 17 रन जबकि धोनी 14 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हैदराबाद के लिए पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले जेसन रॉय का बल्ला सीएसके के खिलाफ नहीं चला। सिर्फ 2 रन पर हेजलवुड ने उन्हें धोनी के हाथों विकेट के पीछे कैच करवा दिया। टीम के कप्तान केन विलियमसन 11 रन बनाकर आउट हो गए और उनका विकेट डेविन ब्रावो ने लिया। टीम को तीसरा झटका पीएम गर्ग के रूप में लगा और वो 7 रन बनाकर डेविन ब्रावो की गेंद पर आउट हो गए। शाह ने काफी अच्छी पारी खेली और 44 रन बनाए। उन्हें रविंद्र जडेजा ने एमएस धोनी के हाथों कैच आउट करवाया। अभिषेक शर्मा ने 18 रन की पारी खेली और हेजलवुड की गेंद पर डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट हुए। अब्दुल समद ने 18 रन की पारी के साथ अपना कैच मोइन अली को हेजलवुड की गेंद पर थमा बैठे। जेसन होल्डर महज 5 रन बनाकर बाउंड्री पर अपना कैच चहर को थमा बैठे। राशिद खान ने नाबाद 17 रन बनाए। सीएसके की तरफ से जेसन होल्डर ने 3, ब्रावो ने 2 जबकि जडेजा व शार्दुल ने 1-1 विकेट लिए। दोस्तों, आप भी सीएसके की इस धमाकेदार जीत पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।